आरआरबी एलपी में बहुत ही गजब क्वेश्चन पूछा है और यहाँ से दो कॉन्सेप्ट समझेंगे। एक बड़े त्रिभुज के तीन शीर्षों पर तीन त्रिभुज इस प्रकार अंकित किए गए हैं कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज की प्रत्येक संगत भुजा से एक चौथाई लंबी हो, तो तीन छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल का शेष बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात बताओ। तो गए पहला पॉइंट, जब भी ये डिसाइडिंग नहीं हो कि त्रिभुज कैसा है तो हमेशा संभव त्रिभुज मान लेना। तो यदि हम इसको संभव त्रिभुज मान ले, इसकी भुजा 8x मान ले, तो ये जो 1/4 है तो ये 2x हो जाएगा। तो इसको बेसिक से पूरा सोल्व कर दिया है। अब वर्चुअल पोजिशनिंग देखेंगे। यदि हम एक संभव त्रिभुज की बात करें, छोटे वाले ये एक संभव त्रिभुज की बात करें, तो ये इसके मिड पॉइंट हो गए। तीनों मध्य बिंदुओं को मिलाने के बाद चार समान एरिया के क्षेत्रफल बन जाते हैं, जो त्रिभुज बन गए। अब इसी को आगे बढ़ाओ, चार ये बन गए इक्वल एरिया, चार ये बन गए इक्वल एरिया, और चार ये अंदर बन गए इक्वल एरिया। तो टोटल कितने इक्वल एरिया के त्रिभुज हैं? 16। हमें कितने चाहिए थे? 3। ये 3 आ गए, बचे कितने? 13। तो ये डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा। हटा,